नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल से आप कैसे प्रिंट दे सकते हो और आप कंप्यूटर से भी, आपके कंप्यूटर में भी वाईफाई है तो उसमें भी आप कैसे प्रिंट दे सकते हो। तो उसके लिए आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तो ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से समझ में आए कि कहाँ पर क्या सेटिंग करनी है। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। अगर आप वीडियो छोड़ दोगे तो आपको समझ में सही तरीके से नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये हमारे पास HP का 126 प्रिंटर है, तो मैं इससे पहले ऑन कर देता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक सेटिंग अच्छी तरीके से, क्या क्या कहाँ पर क्या सेटिंग होती हैं। तो ये मैंने प्रिंटर ऑन किया है, तो ये मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पर रेडी लिखा हुआ आ गया है, प्रिंटर रेडी लिखा हुआ आ रहा है। तो अब यहाँ पर अंदर क्या सेटिंग करनी है आप ध्यान से देखना, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये डिस्प्ले दिखेगा, ये डिस्प्ले में आपको ये सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है आपको, इस बटन को दबाना है और आपको फिर एरो से लेफ्ट इधर दबाना है, एरो की प्रेस करनी है। तो ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक चीज़ आपके सामने आ रही है। तो आपको जाना है नेटवर्क सेटअप में जाना है और यहाँ पर ओके करना है। तो फिर बाद में वायरलेस मेन्यू आएगा, इस पर ओके करना है, फिर आएगा वायरलेस डायरेक्ट, इस पर भी आपको ओके करना है और यहाँ पर आएगा वायरलेस डायरेक्ट ऑन ऑफ, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑन करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले ऑन कर रखा हुआ है और फिर बाद में एक बार और ओके करेंगे तो वहाँ पर, यहाँ पर बताएगा कि सिक्योरिटी, आपको पासवर्ड ऑन रखना है या ऑफ रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसके प्रिंटर के जो पासवर्ड हैं वो यहाँ पर बता रहा है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखने हैं या नोट कर लेने हैं कि क्या, क्योंकि मोबाइल में अगर आप प्रिंट दोगे तो ये वहाँ पर डालने पड़ेंगे, अगर कंप्यूटर से भी आप प्रिंट दोगे तो वहाँ पर भी एक बार डालने पड़ेंगे। तो ये प्रिंटर की सेटिंग हो गई है। तो चलिए मैं इससे एक बार बैक आ जाता हूँ। तो अब चलिए अपने मोबाइल की तरफ, आपको बताता हूँ मोबाइल से आप कैसे प्रिंट दे सकते हो। प्रिंटर की सेटिंग हो गई है, मोबाइल में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर HP स्मार्ट नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगी, वो डाउनलोड करनी है, ईजी मिल जाएगी प्ले स्टोर में। तो ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, तो मैं आपको प्रिंट दे के बता देता हूँ। HP स्मार्ट करके एप्लीकेशन होगी, वो प्ले स्टोर में ईजी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आपका मोबाइल का जो वाईफाई है वो ऑन होना चाहिए, ये मेरा वाईफाई ऑन है और मैं इससे अब आपको ये प्रिंट देके बताता हूँ, इसकी मैं आपको प्रिंट देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने प्रिंट कमांड दी है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वो जो मैंने प्रिंट कमांड दी है, ये बिल्कुल कंप्लीट, ये प्रिंट कमांड निकल गई है, ये मोबाइल से सेटिंग हो गई है, या आप मोबाइल से इस तरीके से प्रिंट दे सकते हो। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर की तरफ, कंप्यूटर से भी आप वाईफाई से कैसे प्रिंट दे सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको डेट और टाइम की तरफ जो आएगा वहाँ पर ये वाईफाई का निशान मिलेगा। तो मैंने इसमें प्रिंटर पहले ऑलरेडी CD से इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको भी पहले CD से इंस्टॉल करना है पूरा। तो यहाँ पर देखिए, आप कनेक्ट करना है, तो ये मैंने कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये HP का जो 126 प्रिंटर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको टेस्ट पेज देख के बताता हूँ, CD से आपको इंस्टॉल करना है, तो मैंने पहले ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ये मैंने टेस्ट पेज दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये टेस्ट पेज निकल गया है। तो आपको प्रिंटर से भी इस तरीके से प्रिंट दे सकते हो और मोबाइल से भी इसी तरीके से इजी प्रिंट दे सकते हो। ये दोनों की प्रिंटिंग है, मोबाइल की और प्रिंटर की, ये दोनों की इस तरीके से आप इजी प्रिंट दे सकते हो। तो दोस्तों, और भी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।